अब तक हमने दो रिकरेंस लिस्ट निकाले, दैट इज एक्स जे बी एक्स जे डैश एक्स वी जे बी एक्स माइनस जेड ये वैल्यू जे जे बी प्लस वन एक्स एंड सेकेंड एक्स जे डैश बी एक्स माइनस बी जे बी डी एक्स प्लस जे प्लस एक्स जे बी डी एक्स। नाउ हम सेकेंड रिलेशन निकालेंगे जो कि थर्ड रिलेशन दैट इज इक्वल्स टू टू जे बी एक्स टू जे बी एक्स इक्वल्स टू एक्स जे बी प्लस वन ओ एक्स नहीं आएगा जे बी प्लस वन प्लस जे बी माइनस वन ये रिलेशन है या एक्स आगे लिख करके जे बी प्लस वन एक्स की फॉर्म में ये रिलेशन आता है। इधर साइन हमारा माइनस का रहेगा। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट? इसे सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट रिलेशन और सेकेंड रिलेशन को ऐड कर देंगे। सो वी हैव एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बना? एक्स जे डैश बी एक्स प्लस डैश एक्स जे डैश बी एक्स इक्वल्स टू बी जे बी एक्स माइनस एक्स जे बी प्लस वन एक्स माइनस बी जे बी एक्स एंड माइनस जे एक्स जे बी माइनस वन एक्स। इससे हम ये और ये कैंसिल हो गया और यहाँ टू जे बी डैश एक्स बना और यहाँ मिलता है एक्स जे बी प्लस वन एक्स माइनस एक्स जे बी माइनस एक्स। अब इन दोनों से x x और यहाँ भी 2x 2x था 2x 2x में से एक एक कैंसिल कर दिया हमने, क्या होता है टू जे डैश बी एक्स ओ बी क्यों है टू जे डैश थोड़ा छोटा बनाना चाहिए बी एक्स जे बी प्लस वन एक्स माइनस जे बी माइनस वन एक्स। इस तरीके से हमें हमारा थर्ड रिकरेंस रिलेशन मिलता है। नोट इट डाउन।